हेलो फ्रेंड्स, आज हम सप्तक रियाज करेंगे। मेरा नाम अदिति झा है और मेरे चैनल म्यूज़िक विद अदिति के थ्रू मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के बेसिक्स के बारे में बात करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि हम जानते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक में तीन तरह के सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, यानी लोअर ऑक्टेव, मिडल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव। मंद्र सप्तक के ऊपर में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, खर्च का रियाज, जिसका लिंक मैंने ऊपर और नीचे शेयर किया है, आप उसको ज़रूर देखें। सबसे इम्पॉर्टेंट रियाज खर्च का रियाज होता है, उसमें करीब आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे। पहले आप वो रियाज करें, उसके बाद ही आप मध्य सप्तक के ऊपर जाएँ, यानी मिडल ऑक्टेव। जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य सप्तक में ही हम जनरली गाते हैं, तो मध्य सप्तक का रियाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप मध्य सप्तक को पहले धीरे धीरे स्लो टेम्पो में गाएं, फिर उसे फास्ट टेम्पो में गाएं, आकार में गाएं, उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करके गाएं, जैसे अलंकार गाएं। मैंने अलंकार के रियाज के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैंने शेयर किया है, तो आप प्लीज़ उसे भी ज़रूर फॉलो करें। एक बार आप मध्य सप्तक का रियाज कर लेते हैं और तार सप्तक के साग के ऊपर टच करते हैं कंफर्टेबली, तभी आप तार सप्तक का रियाज शुरू करें। तार सप्तक का रियाज करना भी बहुत ज़रूरी है। जनरली हमारे तार सप्तक के सारे सुर नहीं लगते हैं, क्योंकि वह काफ़ी ऊंचे स्वर होते हैं, और आप उसे गाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि उससे आपके गले में खराश आ सकती है। आप एक एक करके तार सप्तक के स्वर को रोज़ प्रैक्टिस करें सारे रियाज के साथ, और धीरे धीरे अपना रेंज बढ़ाएं। तो आज इस वीडियो में आप मेरे साथ रियाज करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मैं मध्य सप्तक के रियाज से आज स्टार्ट करूँगी। आज के रियाज हम 5 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहला स्टेप, हम मध्य सप्तक को धीरे धीरे गाएंगे, एक एक स्वर को, फिर उसी स्वरों को हम आकार में गाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इसके बाद चाहे तो फास्ट टेम्पो में भी गा सकते हैं, और इसके बाद आप चाहे तो अलंकार का रियाज भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसे मैं आज नहीं गाऊंगी इस वीडियो में। इसके बाद हम तार सप्तक के सा का रियाज करेंगे, किस तरह हमें तार सप्तक के सा को गाना है। एक बार तार सप्तक का सा अच्छे से लग जाए, फिर 4th स्टेप में हम तार सप्तक के प तक जाने की कोशिश करेंगे। मेरा प तक जाता है, आपका जहाँ तक जाए आप वहीं तक ही ट्राई करें। फिर 5th स्टेप में मैं उसे आकार में गाऊंगी आपके सामने। मैं आज ए स्केल में गा रही हूँ, आपका जो भी स्केल है आप चाहें तो वो तानपुरा पे लगा सकते हैं। मैंने रागिनी का इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा यूज़ किया है, जिसका लिंक मैंने नीचे शेयर किया है। धीरे धीरे जितना आप होल्ड कर सकें उतना आप सुरों को गाएं, उसे फास्ट में ट्राई करें, स्लो में ट्राई करें, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ट्राई करें। तो चलिए अब हम रियाज शुरू करते हैं। आप इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 5 टाइम्स प्रैक्टिस करें, मैं एक ही बार गा रही हूँ। अब हम इसे आकार में गाएंगे। इसे भी आप 5 टाइम्स आकार में गाएं। अब मैं ऊपर का सा लगा के होल्ड करूंगी।
डायरेक्ट ऊपर का सा आप ना लगाएं, एक बार सारे गमा पध नी गा के फिर लगाएं, तो आपको उसकी पोजीशन अच्छे से समझ में आएगी। आप डायरेक्टली बाद में ट्राई करें जब आपके सुर पक्के हो जाएं। सारे गमा पा ऐसे 3 से 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप ट्राई कर आपसे हो सके उतनी बार आप तार सप्तक का सा लगाएं। सेम चीज अब हम आकार में ट्राई करेंगे। आपने नोटिस किया होगा जब हम मध्य सप्तक का सा गाते हैं तो हमारा जो आकार है वो आ साउंड आता है, लेकिन जब हम तार सप्तक का सा गा रहे हैं तो जो साउंड है वो एक आ चंद्रबिंदु जैसा, एक अंग का जो साउंड होता है चंद्रबिंदु का जो साउंड, उस तरीके का निकलना चाहिए। तो आप समझ जाइए कि आपका ठीक लग रहा है तार सप्तक का सा। इस तरह से भी आप 5-5 बार इसे प्रैक्टिस करें, सा लगाएं। जब आप एकदम अपने तार सप्तक के सा को कंफर्टेबली गा पाएं तो ही आप आगे तार सप्तक की ओर बढ़ें। सा एक एक सुर आगे बढ़ना है, एक साथ सारा सप्तक गाने की ट्राई नहीं करनी है। जैसे अगर आज आपने रे ट्राई किया है तो आप 2-3 दिन अब रे का ही रियाज करें। जब आप रे पे कंफर्टेबल हो जाएं तब आप ग पे जाएं। उसके पहले 1 दिन में कोशिश ना करें गाने के लिए, क्योंकि ये मुश्किल होता है गाना और इससे आपका गले में खराश भी आ सकती है। सारे गारे सा आ अब क्योंकि मेरा प तक थोड़ा टच होता है तो मैं ट्राई कर रही हूँ प तक गाने का। आपका जहाँ तक हो आप खाली वहीं तक ही कोशिश करें। आपने देखा किस तरह मैंने प तक गाया। ऐसे ही एक एक सुर आपको आगे बढ़ना है, 1 दिन में नहीं बढ़ना है तार सप्तक के स्वरों पे।
एक स्वर आप चाहें तो एक हफ्ता भी पूरा लगा सकते हैं, दो हफ्ते लगा सकते हैं, आप उस पे कंफर्टेबल होइए, रे में कंफर्टेबल होइए, फिर ग में कंफर्टेबल होइए, तो ही आगे आगे बढ़ें। ये ध्यान में रहे तार सप्तक का म या प तक अगर आपका रेंज जा रहा है तो यानी आपका रेंज बहुत अच्छा है। आप उससे ज़्यादा एक बार में ट्राई मत करिए, इतना बहुत अच्छा है। मैक्सिमम सॉन्ग्स आपके इसमें आप कवर कर लेंगे, आप गा पाएंगे कंफर्टेबली। तो आपने देखा आज हमने कैसे सप्तक रियाज किया। ध्यान में रहे सप्तक रियाज में मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, तीनों सप्तक इंक्लूडिंग है। तो आप तीनों का रियाज एटलीस्ट 10-10 मिनट रोज ज़रूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। आपके कोई भी कमेंट्स है, डाउट्स है तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। धन्यवाद।